चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती है। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएंगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहने बैठी है उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहने हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में, जी सर, आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। जी सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं और वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा आपके गाँव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक तो वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं लेकिन उसमें तो कुछ खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, शुरुआत हुई है सर अभी। अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर, किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था। अच्छा यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा जी आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नूलाल है, मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है, ग्राम बिहणा, पोस्ट हटरा, जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक सेवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत काफी दिन से दुखी था, परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में, और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो, वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी न सर, बाली उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना, चलते फिरते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे, पालथी मार के, मुकुर मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर, नहीं बोले हैं, बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रूपये की दवाई 20 रूपये में मिल जाती है, सबको बताना चाहिए। तो गरीब का परिवार का अगर 100 रूपये की दवा लानी है तो 80 रूपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गाँव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ, 10-15 लोगों को बनवा हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुँची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो अभी